हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सभी के फेवरेट, मतलब सभी के फेवरेट गोलगप्पे, पानी पूरी, पुचके, बहुत कुछ इसके नाम होते हैं, हर जगह अलग अलग नाम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पानी पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 2 कप सूजी। ये हम गोलगप्पे के जो पुचके होते हैं वो बना रहे हैं। तो यहाँ 2 कप मैंने सूजी ली हुई है और उसमें 1 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। इसका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, इसको ज़्यादा मत डालिएगा, और 1 चुटकी भर नमक डालेंगे। और आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से एवरेज डो बना लीजिए, ना ज़्यादा गीला हो ना टाइट हो, मतलब अच्छा सा हो, आप देखना कैसे है। और कोशिश करिएगा कि आप इसमें थोड़ी मोटी वाली सूजी इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छे से फूले। अब इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। अब हम गोलगप्पे का पानी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया लिया हुआ है, पुदीना लिया हुआ है और हरी मिर्च ले रखी है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं नमकीना तीखा पानी, जो हरा पानी होता है बेसिकली, उसको हम बना रहे हैं। फिर इसके बाद हम मीठा पानी भी बनाएंगे, जो इमली की होती है। ये देख सकते हैं हमारा ये पीस गया एकदम अच्छे से। अब इसको हम एक बाउल में डालते हैं और इसमें हम डालेंगे इमली, जो कि इमली का पानी है, जो मैंने इमली भिगोई थी पानी में, फिर मैंने उसका जो पानी था उसको यूज़ किया। और यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं इसको थोड़ा सा बस। और यहाँ पे मैंने जलजीरा पाउडर जो मार्केट में आता है उसको मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच। और यहाँ मैंने घर में जीरा और काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर का एक बनाया था पाउडर टाइप, वो मैं डाल दूँ। यहाँ पर मैं काला नमक भी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच और नॉर्मल सॉल्ट भी हम 1/2 चम्मच डाल देंगे। यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, यहाँ पे हम नींबू भी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि, मतलब खट्टी चीज़ है, कुछ भी खट्टा खट्टा सा डालते रहो, मेरा तो ऐसे मन है। तो ये अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। और ये हमारी तीखी तीखी सी, मतलब जिसको ज़्यादा मिर्ची पसंद ज़्यादा तीखी कर लो, तो ये हमारी जो गोलगप्पे की जो पानी होती है वो रेडी हो चुकी है। तीखी पानी, हरी वाली पानी, पुदीना वाली पानी, कुछ भी बुला सकते हो आप इसको। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मतलब अच्छी थी, काफ़ी स्पाइसी थी। अब यहाँ पे हम दूसरी चटनी बना, सॉरी चटनी नहीं, मतलब पानी बनाएंगे, मीठा पानी, इमली का पानी। तो यहाँ पे मैंने इमली का जो पानी था उसको पका लिया था थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला था। और उसमें फिर हम वही बाहर से जो हमने थोड़ा सा पाउडर मंगवाया था जलजीरा पाउडर, वो 2 चम्मच डाल देंगे। ये मैंने छोटे छोटे जो शैशे होती हैं पैकेट्स, उसमें मिला था, मैंने लिया था, वही मैंने डाला था इसमें, जो ईज़िली मिल जाएगा आप लोग को। और यही हमारा सेम पाउडर, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। फिर यहाँ पे मैंने फिर काला नमक थोड़ा सा लिया है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच प्लेन नमक। और इसमें हाँ 2 से 3 चम्मच हम चीनी भी मिला देंगे, आप और भी मिला सकते हैं, मतलब जिसको जितना मीठा पसंद हो। मुझे तो अगर पूछे तो मुझे मीठा पानी ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे का, बट काफ़ी लोगों को नमकीना पानी, ये खट्टा पानी, तीखा पानी ज़्यादा पसंद, लड़कियों को तो खासकर। तो ये हमारा बन चुका है मीठा पानी और इसको भी मैंने टेस्ट किया था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है 2 से 3 घंटे बाद, मतलब आप इसको 1-2 घंटा 2-3 घंटा रख सकते हैं। इसके हम छोटे से पेड़े लेके इसको अच्छे से बेलेंगे, और कुछ भी थोड़ा सा जो धार वाले बर्तन होते हैं या फिर कोई कटर होते हैं उनसे आप इसको गोल गोल काट लो अच्छे से। ये देख सकते हैं इसको मैंने गोल गोल काटा, मतलब ये मेहनत का काम होता है, अगर किसी को घर पे बनाना है इसको तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत हाइजीनिक होते हैं, मतलब सफाई रहती है और पेट भर के इंसान खा सकता है जिसको जितना पसंद है। यहाँ मैंने इनको ऑयल में डालना शुरू कर दिया है, जो ऑयल का फ्लेम हो काफ़ी, मतलब हाई हो, और वो तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और इसको डालते ही आप देख सकते हैं मेरे कितने प्यारे प्यारे से फूल गए, डालते ही मैं बहुत खुश हो गई थी इनको देख के। तो ये हमारे देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल रहे हैं, आय हाय हाय। अब इसको हम बीच बीच में ऐसे घुमाते रहेंगे, ये देख सकते हैं, इनको आपको ऐसे पलटते रहना है, और जो इसका फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखना है। और आप इसको फिर 2 से 3 मिनट बाद जब ऐसे गोल्डन कलर के हो जाएं इनको निकाल लें। और एक बात और, अगर कुछ टाइम बाद ये सॉफ्ट हो जाएं तो इनको आप दोबारा उल्टा करके
जैसे मेरे तो इसमें काफ़ी कुरकुरे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं एकदम कुरकुरे थे। बट अगर आपके थोड़े ढीले से हैं तो फिर आप उनको दोबारा तेल में डाल दें उल्टे साइड से और उसको थोड़ी देर और पका लें, फिर वो डेफिनेटली क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा सब कुछ तैयार है। पानी मैंने यहाँ चने बॉयल किए थे, आलू है और दही भी है और प्याज भी है, तो आपको जैसे पसंद है आप उससे वैसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा था कि मैं ग्लास में गोलगप्पे मतलब पानी लेके फिर गोलगप्पा खाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उसकी, मतलब मैं पानी वगैरह मैंने डाल लिया था, ग्रीन पानी और रेड पानी, और मैंने सब कुछ प्लेट में निकाल लिया था, बट एंड वक्त में जब खाना था तो उसकी शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थोड़ा जल्दीबाजी में, मुझे बहुत खेद है उस बात का। तो ये देख सकते हैं हम इसमें दोनों पानी निकाल लिए, यहाँ पे आलू वगैरह हमने डाल लिया। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नमकीना पानी पसंद है या फिर मीठा, मतलब क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, गोलगप्पे चने के साथ अच्छे लगते हैं कि आलू के साथ। मैंने तो सबका सोच के इसको बनाया कि भाई सब कुछ हो जाए, चने भी हो जाए, आलू भी हो जाए, बहुत लोग दही भी डालते हैं इसमें, दही भी हो जाए और प्याज तो कंपलसरी है भाई, प्याज के बिना तो काम नहीं होता। तो ये देख सकते हैं मैंने चने भी ले लिए, मैं इतना टाइम लगाती हूँ कि चीज़ निकालने में, क्या ही बताऊँ एडिट करके। हाँ ये देख सकते हैं रेडी हो चुका है और ये हमारे गोलगप्पे तैयार है। मैं बस वो खाते हुए दिखा नहीं पाई, बट मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है वहाँ से देख सकते हैं मैंने खाया कैसे इसको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और नहीं है तो सब्सक्राइब। गुड बाय।